करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार मदरसा के स्टूडेंट फोकानिया पास फॉर्म भरें। आपको पता है कि न्यू वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट की, पूरे भारत में ये वैकेंसी आई है। लगातार मुझे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई मोबाइल से कैसे फॉर्म भरें, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट तक यानी कि फॉर्म से लेके प्रिंट तक बताऊंगा कि किस तरीके से आप फोकानिया की सर्टिफिकेट से फॉर्म भरें। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दिया हूँ, जैसे ही लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पहुँच जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टेज वन में रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर्म भरना, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है मोबाइल से, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है काफ़ी स्लो काम कर रही है, क्योंकि ये वेबसाइट से पूरे भारत के स्टूडेंट जो है देख सकते हैं कि द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। बट आपको घबराना नहीं है, आपको फिर दोबारा ट्राई करना है, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा अगर आप ट्राई कीजिएगा तो आपको पहले आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बता दें एप्लीकेशंस नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका फोकानिया में नेम है वही यहाँ पे नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि फादर्स नेम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कम्युनिटी कर लेना है, एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद देखें सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, यानी कि आप कौन से सर्कल से पास किया, बिहार से किया, झारखंड से किया, तो बिहार आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल है तो मेल आपको क्लिक कर लेना, उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी यानी कौन से साल में आपने फोकानिया पास किया था, जो भी साल में आप पास किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना। चलिए जल्दी जल्दी मैं ये वाला डॉक्यूमेंट जो है फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलिडेट मोबाइल नंबर, यानी कि वैलिड मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए, वैलिड आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, आपको एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप पर नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं जल्दी से फॉर्म को फिल कर लेता हूँ जो हमसे मांगा जा रहा है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम सभी फिल कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली और ईमेल जो है सक्सेसफुली दोनों हो चुका है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ डिसएबिलिटी, यानी कि आपके बॉडी में कोई दिक्कत है, तो अगर दिक्कत है तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी में, यानी कि सेकेंडरी में आपने कौन सा लैंग्वेज से पढ़ा, तो आपको पता है कि फोकानिया से आप भर रहे हैं तो आपको उर्दू सेलेक्ट करना है। बहुत सारे जो है गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, तो आपको उर्दू कर लेना डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेदर एम्प्लॉय, यानी कि आप एम्प्लॉय थे, काम करते थे, तो आपको नो कर लेना। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है इस वाले खाने में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर आपको कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना। चलिए जल्दी से मैं चूज़ फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फाइल से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मरतबा आपको मिलाना है कि सब सही है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आई हेयर बाई करके, इस पर आपको क्लिक करना फिर सबमिट कर देना। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारा सब सही है, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि मैं बाज़ाब्ते आपको लाइव फोकानिया की
सर्टिफिकेट से मैं फॉर्म भर के आपको दिखला रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये वाले जो रजिस्ट्रेशन है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आपसे ये मांगा जाएगा और नंबर मांगा जाएगा। तो क्या करना है, इस पर कंटिन्यू अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू अप्लाई क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा आ चुका है। उसके बाद सेलेक्ट सर्कल, तो सर्कल हमने बिहार के लिए किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। उसके बाद एक OTP जाएगा आपके मोबाइल में, यहाँ पे आपको OTP आपको फिल करना। OTP मैं फिल कर दिया हूँ, कैप्चा भी मैं फिल कर दिया हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना, यानी कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस ये वाला हो गया, ये परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों से एक ही तरह का, तो आपको इस पर आपको टिक लगा देना। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट कर लेना, विलेज करना, पंचायत करना है। उसके बाद आपको नीचे में पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि आपका बोर्ड कौन सा, तो क्योंकि आप मदरसा बोर्ड से किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड। बहुत सारे को लगता है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड वाले स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट खुल चुकी है। जो लोग को लग रहा था कि फोकानिया के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरेंगे, तो आप खुद देख लें, बिहार बोर्ड के भी फॉर्म भर सकते हैं, संस्कृत बोर्ड वाले भी भर सकते हैं, और बिहार मदरसा वाले भी भर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद देख सकते हैं कि सेलेक्ट पूछ रहा है कि यानी कि आपका जो है रिजल्ट कैसा आया था, मार्क्स पे आया था, मार्क्स आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के लिए जल्दी जल्दी मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एड्रेस को मैं फिल कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको समझना, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस में, यानी कि 100 नंबर का जो साइंस था उसमें आपको कितना नंबर मिला। अगर आपको 40 मिला है तो यहाँ पे 40 आपको फिल कर लेना, 30 मिला तो 30 कर लेना। हिंदी में जो भी आपको नंबर मिला हिंदी फिल कर लेना, मैथमेटिक्स में जो मिला वो आपको फिल कर लेना, दिनियात 1 में जो आपको मिला वो फिल कर लेना, दिनियात 2 में जो मिला वो फिल कर लेना, उर्दू में जो आपको मिला उर्दू फिल कर लेना, पर्शियन में जो आपको मिला वो फिल कर लेना, अरबिक में जो मिला है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद सोशल स्टडी में जो आपको मिला है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट रखते हैं तो वो सब्जेक्ट भी आप जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आगे कॉमर्स, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपका अगर है वहाँ पर उस सब्जेक्ट में, तो आप जो है ऐड करके यहाँ पे उसका नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करना। चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ, क्योंकि मैं फोकानिया से फॉर्म भर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को जो लग रहा था कि फोकानिया से नहीं होगा, तो आप लाइव देख सकते हैं कि फोकानिया से फॉर्म भरा जा रहा। मैं यहाँ पर नंबर जो है फिल कर चुका हूँ कि 100 में कितना नंबर मिला। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगले फेस में आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्कल मैंने बिहार किया था। उसके बाद सिलेक्ट डिवीज़न अप्लाइंग फॉर, यानी कि आपको जॉब कहाँ पर करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में करना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के आप है दरभंगा से है तो दरभंगा करना है, अगर आप अररिया जिला के हैं तो आपको अररिया सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ज़िले से आप आते हैं। बट ये है कि जो ये वैकेंसी जो है हर जगह नहीं आई है, तो आपको जो भी अररिया जिला से जो पास का डिस्ट्रिक्ट है उस पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना, प्रेफरेंस इस तरीके से देना है कि देखिए नंबर एक पे, सबसे पहले आपको नंबर एक पे जाना है, और नंबर एक पे जाने के बाद आपको प्रेफरेंस में 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तो OBC को जो भी OBC कैटेगरी का 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का आपको कर लेना, 2, 3, 4, यानी कि जितने जगह प्रेफरेंस देना 10 जगह 20 जगह भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको टिक लगाना, टिक लगाने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। सकते हैं कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी कि हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, अब फॉर्म भरा चुका है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। लाइव में आपको दिखाऊंगा फोकानिया की सर्टिफिकेट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हो चुका। अब यहाँ पे एक हमको ऑप्शन मिल रहा है मेक पेमेंट का। OBC कैटेगरी के हैं तो 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर
वुमेन यानी कि लड़कियों के लिए और एससी एसटी वाले के लिए, माजूर के लिए क्या था, फ्री था, एक रुपया भी पे नहीं करना। तो चलिए जल्दी से मैं पेमेंट कर देता हूँ, एक पेमेंट पे। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा पेमेंट का, बोकानिया के सर्टिफिकेट से आप किस तरीके से आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, नेट बैंकिंग का मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मिल रहा है, क्यूआर का मिल रहा है और वॉलेट का मिल रहा है। तो जिससे भी आपको पे करना है आप पे कर सकते। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस इस तरीके से देना है कि देखिए नंबर एक पे, सबसे पहले आपको नंबर एक पे जाना है और नंबर एक पे जाने के बाद आपको प्रेफरेंस में 1, 2, 3, 4 यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो ओबीसी को जो भी ओबीसी कैटेगरी का उस 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का आपको कर लेना, 2, 3, 4 यानी कि कितने जगह प्रेफरेंस देना, 10 जगह 20 जगह भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको टिक लगाना, टिक लगाने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुल यानी कि हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, अब फॉर्म भरा चुका है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। लाइव मैं आपको दिखाऊंगा फोकानिया की सर्टिफिकेट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हो चुका। अब यहाँ पे एक हमको ऑप्शन मिल रहा है मेक पेमेंट का, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर वुमेन यानी कि लड़कियों के लिए और एससी एसटी वाले के लिए, माजूर के लिए क्या था, फ्री था, एक रुपया भी पे नहीं करना। तो चलिए जल्दी से मैं पेमेंट कर देता हूँ, एक पेमेंट पे। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा पेमेंट तक बोकानिया के सर्टिफिकेट से आप किस तरीके से आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, नेट बैंकिंग का मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मिल रहा है, क्यूआर का मिल रहा है और वॉलेट का मिल रहा है। तो जिससे भी आपको पे करना है आप पे कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इस पर आपको स्कैन कर देना। स्कैन जैसे ही स्कैन कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है और आपको बाद में स्टेटस देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपनी फोकानिया की सर्टिफिकेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट का, प्रिंट पर आपको